क्या हुआ? होना क्या है? मामा ने अजलान के नाम की रट लगाई हुई। अजलान 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 अजलान, जैसे अजलान नहीं हो गया, कोई कौकाफ का शहजादा हो गया। चची जान क्या कह रही है? चाहते हैं कि मेरी और अजलान की शादी हो जाए, लेकिन मैंने भी साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं अजलान से शादी नहीं कर सकती, वो मुझे मुझे अच्छा ही नहीं लगता। बीना, हाँ? तुमसे कुछ कह रही हूँ मैं। हाँ, मैं सुन रही हूँ। और तुम सही कह रही हो, तुम्हारी जिंदगी तुम्हें गुजारनी है। वो क्यों जबरदस्ती कर रही है तुम्हारे साथ? और नहीं तो क्या, जब मैं अजलान से शादी करना ही नहीं चाहती तो जबरदस्ती किस बात की? क्या क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? कुछ कुछ भी नहीं बीना, मैं सच कह रही हूँ, मैं कुछ नहीं छुपा रही। जहाँ तक मैं जानती हूँ, तुमने आज तक मुझसे कुछ नहीं छुपाया, तो ऐसा क्या है जो मुझसे छुपाया जा रहा है? बिना वजह परेशान हो रही हो, कुछ भी नहीं छुपा रही मैं। सानिया सानिया प्लीज, ये लो। तुम पर खुद से भी ज्यादा एतबार करती हूँ मैं, और यकीन है कि तुम्हारी जिंदगी का ऐसा कोई राज नहीं होगा जो मुझसे छुपा। डर मत जाया कर सानिया, अगर ऐसा है भी ना तो इतना यकीन करो कि मैं नुकसान ही पहुंचाऊंगी। क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है, तंग कर रही तुम्हें। भूख लग रही? मैं तुम्हारे लिए फ्राइज बनाती हूँ, पसंद है लेकर आती हूँ। सानिया कहाँ रह गई? सानिया दीना कहाँ मर गई? दीना चीचा चीचा, पानी का गिलास लेके आओ। जब कोई बाहर से आता है तो पानी का गिलास भी पूछते हैं उससे। जी अभी लाए। अरे वाह, कहाँ गई थी? ये क्या लेकर आई है? बाजार गई थी, तुम्हारे लिए कपड़े लाई हूँ। तुमने तो इनकार ही कर दिया जाने से। अब इन कपड़ों में से ना कोई भी सूट पसंद करो, अच्छी सी तैयार हो जाओ, हमने साजदा के घर जाना है। मम्मा, मैं बहस के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ सानिया। लेकिन मैं बहस के मूड में हूँ। आप मुझे बताएं कि बीना के लिए क्या लाई हैं? बीना के लिए कुछ लाने की क्या जरूरत है भाई? तुम्हारे अब्बू पैसे देते हैं ना उसे, उसे कुछ चाहिए होगा तो ले आएगी। मम्मा, पैसे तो अब्बू मुझे भी देते। तुम इस घर की बेटी हो, उसकी तरह बोझ नहीं हो हम पर। ये क्या कहती रहती हैं आप? सोच समझ कर तो बोला करें। आप ही चुको, कुआं खोदने बैठ गई थी क्या? वो शरबत बना रही थी आपके लिए। हाँ हाँ नजर आ रहा है शरबत। देखिए हम कितनी प्यारी है मेरी बीना, पानी का कहती है लाती वो शरबत। और बीना तुम भी देख लो, चची जान जबान से तुम्हें कितना भी डांट, प्यार बहुत करती है। और ये रहा प्यार का सबूत। सानिया आप फिक्र नहीं करें मम्मा, मैं बीना को वही जोड़ा दूंगी जो उसे अच्छा लगेगा। इसके हाथ पर डाका थोड़ी डालूंगी मैं। अबीना जल्दी से बताओ इनमें से कौन सा अच्छा लग रहा है।
देखो चाची जान, बड़े प्यार से लाई है, तुम्हारे लिए नाराज हो जाएंगे अगर नहीं लोगी तो। ये वाला तो ये लो। मम्मा आप ठंडा शरबत एंजॉय करें ना, बीना इतने प्यार से बनाकर लाई है आपके लिए। और बीना ये सब भी तुम्हारे ही है, जब दिल करे पहन सकती हो, ठीक है? थैंक यू चाची जान। इसकी कितनी परवाह है तुम्हें? मेरी जरा परवाह नहीं है। परवाह है, तभी कहती कि बीना का दिल ना दुखाया कर, कहीं इस मासूम के आंसू हमारी खुशियां ना डुबो दे। अच्छा अच्छा, मुझे ज्यादा लेक्चर ना दो, सुनाओ कि मेरा दिमाग खराब हो जाए। जाओ जाके तैयार हो। नहीं जाऊंगी सानिया, जाओ जाके तैयार हो जाओ, मुझे तंग मत करो। जा रही हूँ। पता नहीं क्या जादू कर रखा है इस लड़की ने, मेरे शौहर पे भी, मेरी बेटी पे भी। बैठो जरा प्लीज, मेरी खातिर चची जान से मत लड़ा कर। उस बात की टेंशन है भी नहीं मुझे। किस बात की? मामा चाहते हैं कि मैं उनके साथ खाला के घर जाऊं, और तुम जानती हो कि मुझे ऐसी सोशल गैदरिंग्स का कोई शौक नहीं है। चलो ठीक है, मान ली, वो तुम्हारी माँ है ना, कह रही है तो चली जाओ। और वैसे भी उनके भांजे से तो मिलना है, कजन है तुम्हारा, कोई गैर नहीं। एक काम करते हैं ना। क्या? दोनों साथ चलते हैं। दोनों साथ? पागल हो? उनको लगेगा मैंने तुम्हें कहा कि मुझे साथ लेके जाओ। नहीं मैं नहीं जा सकती। उन्हें मैं संभालूंगी हमेशा की तरह। आप एक काम करें, आप जाकर तैयार हो जाएं और ये छोटी छोटी बातों पे डरना छोड़ दें। सानिया तुम क्यों नहीं समझती, मेरे पास फैमिली के नाम पे सिर्फ तुम लोग ही हो। मैं नहीं चाहती कि घर का कोई भी शख्स मेरी वजह से नाराज हो, चाहे उसके लिए तुम्हें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। कोई भी कुर्बानी देनी पड़े? पागल हो गई हो? आजकल लोग ऐसे जज्बों की कदर नहीं करते। मैं ऐसे ही। अच्छा भाई, जो हो जैसी हो परफेक्ट हो। अब उठो जाओ जाकर तैयार। लेकिन 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 क्या? देखो अगर तुम नहीं जाओगी ना तो मैं भी नहीं जाऊंगी। तुम्हारी जिद के आगे कोई जीत सकता है? जाओ। अजलान बेटा शाम होने को आ गई है, उठ जाओ अब। मम्मी मुझे सोने दे, मेरे सर में दर्द हो रहा है। बाद में सोच आना, अभी तुम्हारी खाला आने वाली हैं। अगर नहीं मिलोगे ना तो उन्हें बुरा लगेगा, इसलिए मजबूरी है। उठो शाबाश बेटा। कौन कौन आ रहा है? सानिया भी आ रही है। सिर्फ सानिया? हाँ, आपा बता रही थी कि सानिया तुम्हारे आने का सुन के बहुत खुश है। आ तो शहरयार भाई भी रहे थे, लेकिन कुछ काम की मसरूफियत की वजह से ना थोड़ा लेट आएंगे। अब तुम उठो ना। बीना नहीं आ रही? बीना थोड़ी आएगी, घर में इतने सारे काम है, घर कौन संभालेगा। अब तुम ये फिजूल बातें मत करो, उठो शावर लो। मैं जब तक तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बनाती हूँ, ठीक है? उठ जाना, सोना नहीं।
क्या फायदा, जिसको आना चाहिए वो तो नहीं आ रही। सानिया कहाँ रह गई, इतनी देर हो गई है भाई, इतनी देर थोड़ी लगती तैयारी में। बस आ रही है वो। तुम कहाँ जा रही हो? सानिया ने कहा था कि साथ चलो तो। सानिया ने कहा और तुम चल पड़ी, मुझसे पूछने की जरूरत भी महसूस नहीं की तुमने। अम्मी मैंने जिद की थी, मैं खाला के घर जाती हूँ, बोर हो जाती हूँ अकेली, आप तो बहन के साथ बातों में लग जाती हैं, तो बीना भी हमारे साथ चलेगी, चले। मैं इसे लेकर नहीं जाऊँ। बीना नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊँ। तुमने बातें ही करनी है, असलान के साथ कर लेना बातें, इतने सालों के बाद वो वापस आ रहा है, उसके पास हजारों बातें होंगी तुम्हें बताने के लिए। मुझे नहीं सुननी उस मोटे की कहानियां। शर्म शर्म करो सानिया, इसे इज्जत और एहतराम के साथ वेलकम करना चाहिए, उसकी बुराइयां करी हो तुम। और तुम मेरी बात कान खोल के सुनो, खबरदार जो वहां जाकर असलान से बेतकल्लुफ होने की कोशिश की, मेरी नजरें तुम पे लगी रहेंगी, समझ आइए। मुसीबत की तरह हर वक्त हमारे सर पे सवार रहती है, कोई काम सुकून से नहीं कर सकते, आजादी से नहीं कर सकते, बाप हमायत करने लग जाता है, कभी बेटी हमायत करने लग जाती है। अम्मी बकवास बंद करो तुम। अम्मी सही कह रही, कमजोर मैं घर पे रह। तुम क्या इनकी बातों को अपना सीरियस ले लेते, इग्नोर करो। चलो कह रही हूँ, चलो। आखिर क्या जरूरत थी इस तरह यूं पागल की तरह भागने की? अमान अमान, वो वही लड़की थी, आई स्वेयर यार। अरे यार ये तो वाकई में पागल हो गया, अगर तुम्हें ज्यादा चोट लग जाती तो। ज्यादा मॉम बनने की जरूरत नहीं है मेरी, मॉम बनने की जरूरत नहीं, अभी रुको, अभी फोन मिलाता हूँ आंटी रमशा को। अरे अरे अच्छा, जख्मी हुआ हूँ यार, ऐसा करेगा मेरे साथ? सॉरी आइंदा नहीं करूंगा, रिलैक्स। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि आप अगर वो मुझे नजर आई ना तो मैं उसे आवाज दे दूंगा, बल्कि जाके उसका नंबर मांग लूंगा। इस तरह नंबर तो शायद तुम्हें ना मिले, लेकिन उसका शू नंबर जरूर मिल जाएगा। अमान तू मेरा दोस्त है कोई दुश्मन? जो भी समझो यार, लेकिन अब इस मैटर में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, सॉरी। हाय क्या नाम होगा उस लड़की का, कहाँ रहती होगी वो, कितने भाई होंगे, या क्या पता कोई मंगेतर भी हो उस लड़की का। मैं सब बकवास ही कर रहा हूँ। तुम्हें तो यार सच्चा वाला प्यार हो गया उससे। हाँ सच वाला हो गया प्यार। सच्चा प्यार। तो फिर एक काम करो ना, तुम सुबह से शाम उस मॉल में जाके बैठ जाया करो, अब किसी ना किसी दिन तो वो आएगी, और इस बहाने फिर तुम उससे नंबर मांग लेना। गुड आइडिया है, वेरी गुड आइडिया। तो वाकई काम से गया है। और तुम कैसी हो साजदा? बिल्कुल ठीक आपा, अच्छा कि आप आ गए। आजो बेटा, आजो आजो आजो, बैठो आजो बैठो। सलाम अलैकुम, कैसी हैं? अलैकुम अस्सलाम, मेरा बच्चा। तुम्हें देख के जी उठी हूँ, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा। जबरदस्त जबरदस्त। सानिया खड़ी हो, सलाम दुआ करो अजलान के साथ।
मैं तो इसे देख कर परेशान ही हो गई हूँ। कुछ बदल गए हो तुम। अच्छा, मगर तुम तो अभी तक वैसी की वैसी हो। कैसी हो बीना? मैं ठीक हूँ। बीना, तुम मेरे साथ आओगे जरा? कहाँ जा रहे हो तुम लोग? आ रहे मम्मा। अच्छा जाने दो इनको, इधर आओ ना, तुम मेरे पास बैठो। कितने अरसे के बाद देखा है मैंने तुम्हें। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना प्यारा हो गया है ना। माशाल्लाह। चंद सालों में कितना बदल गया बीना, आवाज, होलिया, ड्रेसिंग, एक्सेंट, ऐसा लग रहा है इंसान ही दूसरा है। वजन कम करने से इतना फर्क पड़ता है, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था। अंदाजा हो गया? हाँ ना। मैं तो आज ही मामा से बात करूंगी। क्या आप मेरा रिश्ता जान के साथ तय कर दे? ना प्यारा लड़का, मैं हाथ से जाने थोड़ी दूंगी। बीना, सुन रही हो ना? हाँ सुन रही हूँ मैं। मुंह क्यों उतर गया तुम्हारा? नहीं पागल हो, देखना चची जान सुन के कितना खुश होंगी। वो तो हमेशा से यही चाहती थी ना तुम्हारे लिए। नहीं वो तो खुश होंगी, लेकिन तुम्हारी आंखों में ये आंसू तो खुशी के आंसू हैं। मेरी बहन की आंखों को पहली बार कोई अच्छा लगा है ना, तो खुशी तो बनती है। नहीं मुझे ना तुम्हारी समझ नहीं आती बीना। उदास होती हो तब भी रोती हो, खुश होती हो तब भी रोती हो, कब नहीं रोती तुम? खुश हो तुम्हारे लिए, बहुत खुश हो तुम्हारे लिए। नेहा, अगर मैं तुम्हें कॉल ना करूं, तुम तो पलट कर मुझे पूछते ही नहीं, बिल्कुल भी याद नहीं आती क्या मेरी? भाई तुम बोलने कब देती हो? डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की तरह सुबह दोपहर शाम तो कॉल करती हो तुम। यानी कि अब तुम्हें मेरा कॉल करना भी बुरा लगता? ठीक है निहाल करीम, आज के बाद आपको मेरी कॉल नहीं आएगी। ओके बाय। अरे 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 ऐसी कोई बात नहीं है, रुको। तुम्हें पता है ना कि मॉम डैड के जाने के बाद मैं कितना बोर हो गया हूँ यहाँ पे अकेले। हर वक्त बाहर हैंग आउट करता रहता हूँ या सोता रहता हूँ। इनफैक्ट मुझे तो ये भी नहीं याद मैं लास्ट टाइम जिम कब गया था। वैसे मॉम डैड के साथ खूब पार्टी हो रही है। अच्छा यानी कि जनाब बाकायदगी से मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करें। आंटी अंकल को मैंने एक बार फिर से पूरा अमेरिका दिखा दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो ना तुम यहाँ पे मॉम और हमारी गेस्ट होती हो और वहाँ पे मॉम लोग तुम्हारे गेस्ट। और सुनो मैंने ना तुम्हारे लिए बहुत ढेर सारी शॉपिंग की है, मैं आऊंगी ना तो साथ लेकर आऊंगी। अच्छा बेटा मुझे ये बताओ कि डिग्री तो तुम्हें मिल गई जी, तो अब नौकरी ढूंढने के बारे में क्या सोच रहे? खाला भी दो तीन जगहों पे अप्लाई किया है, देखें कहीं ना कहीं से इंशाल्लाह जवाब आ जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं ये पूछ इसलिए रही थी कि अब यहीं सेट होने का इरादा है ना तुम्हारा? जी दो तीन जॉब्स मुझे मिली थी बाहर, लेकिन वहाँ फैमिली वीजा मिलने में टाइम लगता है। भाई जब यहाँ अच्छा खा कमा सकते हो तो फिर परदेश काटने की जरूरत क्या है, है ना? आपा बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, मैं भी इसे यही कह रही हूँ। बहुत अकेला रह लिया आप।
अब शादी करे, घर बसाए, हंसी खुशी जिंदगी गुजारे ना। जब मैं आती हूँ आप, तुम कहाँ जा रही हो? कुछ चाय पानी का इंतजाम तो करूँ। अरे तो सानिया बना के ले आएगी ना चाय हम सब के लिए। जाओ सानिया, अच्छी सी चाय बना के लाओ, अजलान के लिए खास तौर पे स्पेशल चाय। जी अच्छा, चलो बीना। हाँ हाँ, ले जाओ, इसे भी ले ही जाओ, काम शाम तो करना आता नहीं है इसे कुछ। चलो गप्पे लगा लेगी तुम्हारे साथ। कहीं तो इसे जरा डिस्काउंट दे दिया कर। अरे जाओ बेटा जाओ, पापा की बात का कोई बुरा नहीं मनाना, उनकी तो आदत है। है साजदा, अब अच्छी बुरी बात पे टोकना तो पड़ता ही है ना। अगर बीना भी सानिया की तरह घरदारी सलीका सीख ले तो उसको अपना ही फायदा होगा ना। हाँ कह तो आप ठीक रही है। तो हैरत ही खत्म नहीं हो रही है यार, कितना बदल गया है ये। तुम्हें पता है फैमिली ग्रुप में इसकी पिक्चर्स देख के मैं क्या सोचती थी? क्या? कि ये मोटा पिक्चर्स फोटोशॉप कर करके भेजता है। कितनी पागल थी यार मैं, रियल को फेक समझती थी। बस भी करो, मान लिया कि उसने अपने आप को ग्रूम कर लिया और तुम्हारी तवज्जो पा ली है। तवज्जो छोड़ो बिना, उसने तो मेरा दिल ही चुरा लिया है। तुम भी उसका दिल जीत लो ना, उसके पास बैठो, उससे बातचीत करो। तो मैं करूंगी, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मुझे समझा नहीं सकती थी क्या? सानिया एक बार मिल तो लो, फिर इकरार या इनकार करना। पहले कौन सी कोई बात मानी जो अब मान लेती? ये भी है, लेकिन बीना ये तो हैरत ही खत्म नहीं हो रही है यार। इसको मना कर रही थी मैं, वो भी पहले बगैर, और अब तो दिल चाह रहा है जैसे अपनी खाला को जाके बोलूं कि मुझे असलान के नाम की अंगूठी पहना दे। चूल्हा बंद कर देना, आते पिज्जा ले आना। कैसी बहन है मेरी, मेरी यहाँ भूख प्यास सब मिट गई और ऐसे पिज्जा की पड़ी है। और क्या है, पिज्जा कहाँ है? तुम क्यों नहीं आई है? सब कुछ सानिया कहाँ है? चाचा वो पिज्जा ला रही है। तुम पिज्जा नहीं लाई? वो मैं भूल गई। बिना जाओ तुम ले आओ। तुम क्यों बोल रही हो, तुम जाके लेके आओ ना। क्योंकि मेरा दिल नहीं चाह रहा। मेरा दिल चाह रहा था अपनी प्यारी सी खाला के साथ बैठकर बहुत प्यारी बातें करें। हाँ मेरी जान क्यों नहीं, तुम बैठी रहो, बिना बेटा तुम ले आओ। मेरे लिए चाय डालो, मैं जरा अभी आ रही हूँ। कहाँ चली आपा? अरे आ रही हूँ ना, अभी आ रही हूँ। कर जान ला रही थी। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ले जाऊंगी। खबरदार वहां आके असलान के सामने बैठने की जरूरत नहीं है। चाची जी बकवास बंद करो, समझाया नहीं था मैंने तुम्हें घर में? ये फारसी बोली थी, कहा था ना कि ज्यादा असलान के आगे पीछे मंडलाने की कोशिश मत करना। तुम हो गए नजरें गाड़े बैठी हो, चलो चाची जी। मैंने सब कुछ नहीं किया,
नजर आ रहा है मुझे, नजर आ रहा है कि क्या किया क्या नहीं किया। खबरदार जो उस तरफ आई, समझ आई है? भी आ गया और कबाब भी ले आई मैं। अच्छा हुआ ना मैं किचन में चली गई, वो तो फोन पे गप्पे लगा रही थी, उसको तो परवाह ही नहीं थी कि यहाँ बैठे लोग इंतजार कर रहे हैं चीजों का। चलें चलें चलें, चाय पीजिए। ये लो ना बेटा, कबाब खाओ ना। नहीं आप लेना, मैं लेता हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है। मामा बीना की चाय ठंडी हो रही है। तुम्हें क्यों फिक्र लगी हुई है, जब उसे चाय पीनी होगी वो आ जाएगी, पी लेगी। फोन पे बातों में लगी हुई है। अबा वो भी तो बेचारी मेहमान है हमारे घर में, आने दे उसे चाय पीने दे हमारे साथ ना। वही तो कह रही हूँ, मैं देख कर आती हूँ। मैंने कहा ना आ जाएगी भाई, तुम बैठो चाय पियो। उसे तो बातों से ही फुर्सत नहीं है, फोन पे बातें किए जा रही है कब से। तुम तो पियो ना बेटा चाय। गई थी जो चाय पे भी नहीं आई तो कौन? हाँ मामा कह रही थी किसी की कॉल आई है। हाँ वो सिद्रा की कॉल आ गई थी, पढ़ाई के लिए बुक्स का पूछ रही थी। एक तो तुम्हारी बुक्स और वो बोरिंग सिद्रा, जितनी किताबें तुम लोग पढ़ते हो ना उतने में तो एक एक अपनी लिख डालो। चलो भाई बच्चों घर चले। इतनी जल्दी? मतलब यहाँ थोड़ी रहना है रात को। मेरा तो घर जाने का दिल नहीं चाह रहा। हाँ बेटा तो तुम्हारा अपना ही घर है, रह जाओ। अब रहने देने से यहाँ किसी बात करती हो साजदा? अभी तो घर जाते हैं ना, अब तुम और अजलान आओगे ना खाने पे मेरे पास। पता है सानिया ने बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बनाना सीखी है, बड़ा जायका है इसके हाथ में। तुम आओगी ना तुम्हारे लिए बनाएगी, खा के बताना कैसी रही। ठीक है फिर इंशाल्लाह आते हैं, मैं अजान के साथ आती हूँ। जरूर चलो बेटा चलते हैं। ओके मेरा बच्चों, ओके आना है तुमने जल्दी। अल्लाह हाफिज़। ओके अल्लाह हाफिज़। नहीं कहां रह गई ये बीना, कब से कहा हुआ है कि आपको पानी का गिलास लाके दे दे। आरफा बेगम कुछ काम खुद भी कर लिया करें। तो वो बच्ची जो है सारे दिन घर का ही काम करती रहती है, थक जाती है। अरे क्या बात कर रहे हैं आप, घर के काम है, कौन सा पहाड़ तोड़वाती हूँ मैं उससे, ये छोटे मोटे काम करने में कौन थकता है भला। सानिया से भी तो कहा करें कुछ काम कर लिया करें, आखिर उसने भी कुछ सीखना है या नहीं। वो सब आप मुझ पे छोड़ दें, सीख जाएगी जब सीखना जरूरी होगा। हाँ वो याद आया, साजदा और अजलान आ रहे हैं कल घर में, तो आप ना ऑफिस से छुट्टी ले लीजिएगा। पहले भी उस दिन साजदा बड़ा ही गिला कर रही थी आपकी गैर मौजूदगी का। बताया तो था, काम में फंस गया था, जरूरी काम आ गया था। वो तो खैर मैंने उसको बता दिया था, लेकिन कल आप जरूर छुट्टी कर लीजिएगा, कोई भी कितना भी जरूरी काम हो बस टाल दीजिएगा। ना काम मैं कोई नहीं टालूंगा, लेकिन ये जरूर करूंगा कि घर जल्दी आ जाऊंगा। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। आपकी भी बड़ी मेहरबानी होगी अगर दो घूंट पानी मिल जाएगा। जी अच्छा मुझे ही ला के देना पड़ेगा, वो तो महारानी पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है।
गया बीना, जब से यहाँ से गई हो ना मेरा फोन उठा रही हो ना मैसेज का जवाब दे। कैसे बताऊं अजलान को, आज तक जिस सानिया ने अपनी हर चीज में से मुझे हिस्सा दिया वो मेरी मोहब्बत की हकदार बन गई। सानिया की बच्ची डरा दिया मुझे, मैं बहुत खुश हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मेरा दिल चल रहा है। हेलो अपने आप को, क्या हो गया? पता नहीं मुझे क्या हो गया, अभी तो मोहब्बत शुरू हुई है और मेरा ये हाल है, जैसे जैसे मोहब्बत बढ़ेगी क्या होगा मेरा? तुम क्या होगा, पागल हो जाओगी। ठीक कह रही हूँ, मैं खुद को पागल होता महसूस कर रही हूँ। एक बात तो बताओ मुझे, अजलान भी मुझसे मोहब्बत करता होगा? साहिरा मेरी बहन है ही थी प्यारी, चिराग लेके भी दोनों में ना तो इतनी हसीन लड़की थी उसको मिलने वाली। सच बीना मैं बहुत खुश हूँ। क्या तूफान है, बदतमीजी है, हर वक्त शोर मचा रहता है। इतनी लाल हो रही है सारी परेशानी तुम्हारी, इस मनोज से तो और कोई उम्मीद भी नहीं थी मुझे। नहीं कुछ नहीं हुआ है, वो गलती से हो गया था, बीना ने जानबूझ के नहीं किया। क्या कुछ नहीं हुआ बेटा, इतनी चोट लगी है तुम्हें। अरे भी क्या शोर मचा रही हो, क्यों चीख रही हो बच्चियों पर? आए आए आप भी देख ले तमाशा, इसने ना इसने जानबूझ के गिराया, मेरी बेटी को जख्मी कर दिया। झूठ झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। मम्मी आप इतना जज्बाती क्यों हो रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, छोटी मोटी चोट है, ठीक हो जाएगी। तुम तो इसकी हमायतें करना छोड़ दो, मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसे धक्का दिया इसे। क्यों बहस कर रही हो बच्ची के साथ, इसको खास चोट नहीं लगी उसे। आप तो बस यही कहते रहेंगे कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, उसके कसूर नजर नहीं आते। बेटा तुम जाओ, जाओ यहां से, कुछ मैं पट्टी लेकर आती हूं, मैं पानी लेके आती हूँ अपनी बच्ची के लिए, पानी लेके। ठीक हूँ। रुको, अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता ना तो अपनी जान से मार देती। मैंने कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जुबान बंद रखो अपनी, मैं सब समझती हूँ तुम्हारी मक्कारियां, दूर रहा करो उससे। अजलान बेटा मसरूफ हो? नहीं मम्मी, कुछ ईमेल्स कर रहा था। बेटा मुझे तुमसे सानिया के बारे में पूछना था, कैसी लगती है तुम्हें? क्या मतलब, सही है, अच्छी लगती है? आप तो ऐसे पूछ रही हैं जैसे मैं उसे जानता ही नहीं। इसलिए पूछ रही हूँ कि जब मैं आपा के घर खाने पे जाऊंगी तो उनसे बात कर लूंगी। क्या मतलब, किस किस सिलसिले में? तुम्हारे और सानिया के रिश्ते के सिलसिले में। What? इतना हैरान क्यों हो रहे हो? तुम्हारी कजन है, तुम्हारा अपना खून है और फिर शादी के लिए बिल्कुल मौजूद है। मम्मी लेकिन मैंने मैंने कभी सानिया को उस नजर से देखा नहीं। लेकिन मैंने और तुम्हारी खाला ने तो बहुत पहले से ये सोच रखा, बस तुम्हारे आने का इंतजार था, अब तुम आ गए हो तो बात को आगे बढ़ाते हैं।
अम्मी लेकिन मैं सानिया से नहीं किसी और से शादी करना चाहता। क्या अजलान, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मुझे इस उम्र में इस तरह से मायूस करोगे। इसमें मायूसी की कौन सी बात है अम्मी? मुझे सानिया नहीं पसंद, और जो आप कह रही हैं वो शादी का मामला है, दो चार दिन का मामला नहीं है। और मैंने जो अपनी सारी जिंदगी तुम पे लुटाती बेटा, उसकी कोई अहमियत नहीं है। मेरी मर्जी की कोई हैसियत नहीं है तुम्हारी नजर में। आप मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हैं। मैं किसी और के साथ कमिटेड हूं और पीछे नहीं हट सकता। मैंने भी अपनी बहन से वादा किया है, मैं भी पीछे नहीं हट सकती। तुमने जिन लोगों से वादे किए ना, भूल जाओ उन्हें। लेकिन अम्मी मैं बस अम्मी मेरी खामखा किसी हीरो का इंतजार कर रही थी। मेरा तो खुद का कसम एक हीरो बन कर है। सोचा था रोएंगे ना, फिर भी तुमने रुला ही दिया, तुमने रुला ही दिया। सॉरी अजलान, मैं ना तो सानिया का दिल तोड़ सकती ना ही अपने चचा जान और चची जान को तकलीफ दे सकती। अगर उन्होंने तुम्हारा और सानिया का रिश्ता करने का सोचा है तो किसी भी सूरत रुकावट नहीं बनेगी।